हाँ, रोड पर सीधे एक निजी फूड कोर्ट में खास जरूरतमंद बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट पार्टी रखी गई। किड्स सेक्शन में जाकर बच्चों ने कई तरह की गेम्स खेली और जिसका बच्चों ने खूब आनंद लिया। असी अज अपने पिकनिक स्क्वेयर नाम के रेस्टोरेंट के विच एक सोशल सर्विस का कॉज लिए काम किया। ऑटिज़म तो सफ़र कर रहे बच्चे जिहड़े थोड़े जे मेंटली रिटार्डड सी, असी उन्होंने बुला के इत्थे उन्होंने इंटरैक्ट किया जी, उन्होंने उन्होंने गेमिंग जोन दिखाया, उन्होंने गेमिंग्स करवाइया। नीचे असी अपने फूड कोर्ट के उन्होंने बैठ के असी फूड चंगी तरह ट्रीट किया, जाकि जिहड़ा उन्होंने कोई इंट्रैक्शन सी असी कर पाईए, भी वो बच्चों ये ना लगे भी असी बाकी बच्चों नालों वांझे हुए हैं। हमारा दी ऑटिज़म सेंटर चलता है रामलाल बसीन पब्लिक स्कूल डुगरी फेज़ वन में, नहर के पास ही है एंड स्कूल 10 ईयर्स ओल्ड है। और हमारा सेंटर लास्ट जनवरी में स्टार्ट हुआ था, तो स्लोली स्लोली बिकॉज ऑफ गुड वर्क अब हमारे पास अराउंड 14 एडमिशन्स हैं एंड बट टू बिकम एन एनजीओ वी नीड अराउंड 16 एडमिशन्स। सो हार्डवर्क कर रहे हैं, ओपन हाउस भी किया था अभी हमने। दिस इंस्टीट्यूशन वॉक्सिंग प्लस पिकनिक स्क्वायर हैज़ बिन वेरी काइंड एंड सपोर्टिव इन द पास्ट ऑल्सो। कभी बच्चों के लिए खाना भेजना, कभी बच्चों को इन्वाइट करना, एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, हमको कोई पब्लिसिटी करनी हो उसके लिए काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ये इनका इन्विटेशन था कि हमारा नया वेंचर पिकनिक स्क्वायर खुला है, तो आप बच्चों को लेके आइए, हम स्टार्ट उनके साथ ही करना चाहें।